गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मॉडल, नेगेटिव फॉर्म ऑफ मॉडल। मॉडल्स जो होते हैं वो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सारा शब्द हमारा मॉडल कहलाता है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे नेगेटिव फॉर्म ऑफ मॉडल। नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव यानी नकारात्मक, ठीक है, यानी नहीं। नहीं को हम लोग इंग्लिश में किससे डिनोट करते हैं? नॉट वर्ड से, है ना, नॉट से। तो पहला देखो मॉडल जो है वो है कैन। कैन का मतलब होता है सकना, मतलब हम लोग कोई काम कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं आई कैन। अगर कोई काम नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव यानी नहीं करना, तो वो हो जाएगा कैन नॉट। और कैन नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है कांट। हम लोग पहले ही सीखे हैं शॉर्ट फॉर्म, ये है कांट। कैन नॉट भी हम लोग लिखते हैं, लेकिन उसको और थोड़ा मॉडल तरीके से लिखने के लिए हम लोग कांट लिखते हैं, सी एन, फिर एन के ऊपर में एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी देखे ए टी, ठीक है, ये है कांट। उसी तरह कुड, कुड का भी नेगेटिव फॉर्म हम लोग कुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कुडेंट लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह इसमें देखो बहुत सारा मॉडल का तुम्हारा नेगेटिव फॉर्म दिया हुआ है, जैसे मे का मे नॉट, माइट का माइट नॉट, विल का विल नॉट, या वॉन्ट। विल नॉट का जो मॉडल शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे नेगेटिव वो होगा वोंट। वुड का वुड नॉट या वुडेंट। शैल का शैल नॉट या शैलेंट। शुड का शुड नॉट या शुडेंट। मस्ट का मस्ट नॉट, ठीक है। तो ये सारा हमारा मॉडल वर्ड्स था और इसका नेगेटिव फॉर्म ये है। तो ये तुम लोग पूरा ध्यान से करना और करने के बाद इसे अच्छे से याद भी करना, ठीक है, और लिखकर प्रैक्टिस करना। इसके साथ ही तुम लोग का एक होमवर्क है जो ये है, इसी पेज का तुम्हें एक्टिविटी, इसी पेज का तुम्हें एक्टिविटी 13 का बी करना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स विद नेगेटिव फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल का ही नेगेटिव फॉर्म का इस्तेमाल करके तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। जैसे आई डैश हेल्प यू, आई एम सॉरी, मतलब सॉरी हम लोग कब बोलते हैं? जब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं या किसी के साथ कुछ गलत करें, तो हेल्प यू, हेल्प यू क्या है? अगर हम लोग किसी की मदद करेंगे तो वो हेल्प करना होगा, लेकिन सॉरी बोल रहे हैं मतलब हम उसकी मदद नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या वर्ड से इसको फील करेंगे? आई कांट, कैन नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म आई कांट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई कांट, आई कांट हेल्प यू, ठीक है, आई कांट हेल्प यू, इस तरह से आई एम सॉरी। उसके बाद फिर सेकेंड, थर्ड, ये सब तुम्हें खुद से करना है, ठीक है, इसे ट्राई करना। इसके बाद हम लोग क्लास में आगे और डिस्कस करेंगे।